नॉर्मल डिलीवरी के लिए जितना जरूरी बच्चे का सर नीचे करना होता है, उसके बाद बच्चेदानी के मुंह का खुलना होता है, और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली पेन्स का आना होता है। बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है, बच्चे ने सर नीचे कर लिया है, बच्चेदानी का मुंह भी धीरे धीरे करके खुलने लगा है, लेकिन पेन्स आपको फ्रीक्वेंटली नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको घर बैठे क्या ऐसा करना है, समय पर आपको पेन्स आए नेचुरल तरीके से। वैसे तो अगर आप हॉस्पिटल टाइम में जाती हैं तो आपको आर्टिफिशियल लेबर पेन देकर आपकी नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है, अगर बच्चा सर नीचे कर चुका है और आपका बच्चेदानी का डायलिटेशन शुरू हो गया है। लेकिन सब कुछ नॉर्मल है तो आप घर बैठे इन टिप्स को फॉलो करने के बाद अपनी नॉर्मल डिलीवरी का रेशियो बढ़ा सकती हैं, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेचुरल तरीके से आप पेन को कैसे इंड्यूस कर सकती हैं और सेफली नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले, चैनल में पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक करके जरूर जाइएगा। तो फ्रेंड्स, पेन्स को अगर आप टाइम पर लाना चाहती हैं और आपकी डिलीवरी का समय नजदीक है तो आपको क्या करना है, अपने डिलीवरी डेट से एक सप्ताह से 10 दिन पहले निप्पल स्टिमुलेशन टिप को फॉलो करना है। इस टिप को फॉलो करने से आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो है वो इंक्रीज होता है। अगर ऑक्सीटोसिन का लेवल सही नहीं रहेगा तो आपका लेबर पेन इंड्यूस नहीं होगा। तो उसके लिए आपको निप्पल को हल्के हाथ से ऐसे 5 मिनट एक निप्पल को, 5 मिनट एक निप्पल को रोजाना मसाज देना है, लेकिन डिलीवरी डेट से हफ्ता से 10 दिन पहले, क्योंकि ऐसे में आपकी प्रेगनेंसी का समय कंप्लीट हो जाता है, बच्चे का ग्रोथ सही से हो जाता है और बच्चा एकदम हेल्दी रहता है। तो हफ्ता से 10 दिन पहले इस टिप को फॉलो करना है। आप ऑयल जरूर लें, ठीक है, जिससे कि आपके निप्पल में बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आएंगे, नहीं तो फीडिंग में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके से आप नॉर्मल डिलीवरी का जो रेशियो है बढ़ा सकती है निप्पल स्टिमुलेशन टिप को फॉलो करने के बाद। नंबर टू, आप रिलेशन मेंटेन कर सकती है। मेल सीमन में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती है जो आपके यूट्रस को उत्तेजित करता है, नॉर्मल डिलीवरी का पेन लाने में मदद करता है। अगर सब कुछ सही है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लो लाइंग प्लेसेंटा नहीं है, ठीक है, बच्चा ज्यादा भारी नहीं है, आप ज्यादा हेल्दी नहीं है, ब्लीडिंग की समस्या नहीं है, यूटीआई फंगल बैक्टीरियल इंफेक्शन की समस्या नहीं है, सब कुछ सही है, तो आप रिलेशन मेंटेन जरूर करें। अगर सब कुछ सही है, मैं कंफर्म कर देती हूँ, सब कुछ सही है, आपको पेन्स की समस्या नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ऐसे में भी आपका यूट्रस जो है उत्तेजित होता है और नॉर्मल डिलीवरी का पेन समय पर आता है। बाकी खाने पीने की बात की जाए तो अदरक लहसुन खजूर दूध हल्दी दूध केसर दूध का सेवन बढ़ा सकती है। इनकी तासीर गर्म होती है जो आपकी बॉडी को गर्माहट देती है, नॉर्मल डिलीवरी का पेन लाने में सहायता कर सकती है। और कई बार कब्ज के कारण भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, तो कब्ज की मेडिसिन डॉक्टर से आप जरूर लें, नहीं तो आपको गाय का शुद्ध घी दूध में मिलाकर या पानी में मिलाकर पीना है, जिससे कि कब्ज की समस्या से आपको राहत मिलेगी, खूब सारा पानी आपको पीना है। वहीं एक्सरसाइज की बात की जाए तो कीगल एक्सरसाइज, डक वॉक, आप स्क्वाट्स कर सकती हैं, उठक बैठक कर सकती हैं, कुकड़ू पोजीशन में बैठ सकती हैं, लेफ्ट करवट लेकर आपको सोना है, इससे भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आपको सहायता मिलती है। काफी महिलाओं का उठने बैठने का पोस्चर बहुत ज्यादा गलत होता है, जिससे बच्चे को अंदर दिक्कत आती है, नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, क्योंकि उठने बैठने के गलत तरीके से बच्चा फिर से उल्टा हो सकता है। तो आपको इन टिप्स को फॉलो करना है अगर किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।